बोलिए श्री गंगा मैया की जय। इस दिव्य अनुष्ठान के लिए जिनका बहुत तेजस्वी और परम पावन आशीर्वाद हम सबको मिला है, ऐसे हम सबके अति पूज्य और अति आदरणीय, विश्व में जिन्होंने भारत को गौरव प्रदान किया है, ऐसे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, और मैं निजी अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, बाघ भट्ट जी और चरक जो आचार्य हुए हमारे आयुर्वेद में, मुझे ऐसा लगता है कि जिस नए कलेवर के साथ वो पुनः प्रकट होकर आए हैं, ऐसे हमारे आचार्य और परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजाचार्य बालकिशन जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी उमाकांतानंद जी महाराज, हमारे पूज्य बहुत वयोवृद्ध, बड़ी कृपा करके मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ, हमारे शास्त्री जी महाराज, सभी पूज्य संत चरण यज्ञ स्वरूप, ऐसा लगता है जैसे मंच पर यज्ञ वेद का प्रकट हो गई हो, ऐसे सभी पूज्य चरण, हमारे आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे यहाँ के मेयर आदरणीय मनोज गर्ग जी, सभी यजमान परिवार, आयोजन समिति के सभी महापुरुष महानुभाव, और मेरे लिए बहुत आदर और बहुत प्रेम जिनके प्रति मेरे हृदय में है, ऐसे श्रोता के रूप में आप सभी मेरे बंधुओं और बहनों, आप सबको मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए गंगा मैया की पावन गोद में बैठकर भगवान की इस मधुर मंगलमयी रस भरी कथा का बहुत भाव से गायन करें, श्रवण करें, जीवन को धन्य धन्य करें। दोनों बातें गोस्वामी जी ने लिखी है, जो यह कथा कपट तज गावा, तो परिणाम बोले मन कामना सिद्ध नर पावा। किसी भी प्रकार की लौकिक अलौकिक जो कुछ आकांक्षाएं मनुष्य की रहती है, स्वाभाविक भी है, इसमें कोई, हम जब विरक्ति का चादर ओढ़े हुए लोगों के मन में भी अनेक प्रकार की आकांक्षाएं रहती हैं, तो संसार में तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। गोस्वामी ने लिखा है कि जो यह कथा कपट तज गावा, मन कामना सिद्ध नर पावा। तो जो गाएंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और जो प्रेम से इसका श्रवण करेंगे तो उनको परम विश्राम मिलेगा, पायो परम विश्राम। राम चरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। दोनों बातें मानस दे रही है, विश्राम भी दे रही है, और मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। कई बार हमारे अच्छे विद्वान लोग ये चर्चा करते हैं, ये कथा सुनना 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 क्यों सुनना, अपने मन में भी आता है इतनी बार सुन ली फिर भी क्यों सुनना, ऐसा एक प्रश्न आता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, कई आचार्य लोग इसका आग्रह करते हैं कि कथा को जीवन में उतारिए, किसी के बस की बात नहीं, जब कथावाचक के जीवन में नहीं उतर रही है तो श्रोताओं को तो भगवान ही मालिक है, बहुत कठिन होता है, और जब कथा उतर ही जाएगी तो हम राम ही न हो जाएंगे, फिर तो हमारी कथा गाई जाएगी, फिर तो हमारी कथा गाई जाएगी। ये जीवन में उतारने की जरूरत नहीं, इतनी फजीयत करने की कलयुग में आवश्यकता नहीं है, केवल श्रवण करिए, केवल सुनिए। और आप देखिए सभी ग्रंथों में, नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुना रहे हैं, कहते हैं सौनक जी सुनो, आपके पड़ोस में शुक्र ताल में सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, परीक्षित को कहते हैं राजन सुनो, कैलाश में बैठकर भगवान शिव सुना रहे हैं, कहते हैं पार्वती जी सुनो, गिरजा सुनो राम के लीला, भगवान श्री राम पंचवटी में सुना रहे हैं लक्ष्मण जी को, सुनो तात मन मत चितलाई, शबरी जी के भी आश्रम में कहते हैं तो सुन धरु मनमाही, सबने सुनने का ही आग्रह किया है, किसी ने ये नहीं किया कि इसको आचरण में भी लाइए, इसको जीवन में भी उतारिए। वो जब सुनने से ही बेड़ा पार हो रहा है तो उतारने की आवश्यकता क्या है, जिनको उतार कर आना है उतार कर आ जाओ, हम तो सुन के ही आ जाएंगे भैया, हमको तो सुनने से ही फायदा होता है, केवल इसका श्रवण ही करिए।
श्रवण, इसलिए नवदा भक्ति में श्रीमद् भागवत में पहली भक्ति श्रवणम, मनुष्य सुनता नहीं है। आज जो परिवार में, समाज में जहाँ भी अशांति है, उसका सबसे बड़ा कारण न सुनने का है। पत्नी को शिकायत है, ये मेरी सुनते ही नहीं है, मैं तो पागल हूँ, मेरा तो दिमाग खराब, चीखती रहती हूँ, ऊपर से उतार देते हैं, सुनते ही नहीं है। पति कमरे से चिल्ला रहा, नहीं सुनती हो, वो सुन ही नहीं रही है। ये नौकर ऐसा आया, ये सुनता ही नहीं है। ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ से आ गया, ये सुनता ही नहीं है। ये महरी सुनती नहीं है, ये पड़ोसी सुनते नहीं है, ये मदन जी बैठे नेता सुनते ही नहीं है, सरकार सुनती नहीं, अफसर सुनते ही नहीं। समस्या सुनने की, अगर सुन लिया आनंद हो गया। अशांति न सुनने के कारण देवताओं ने कथा नहीं सुनी, देवता देव रह गए, और जिन्होंने कथा सुन ली, सुनी महेश परम सुख मानी, तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, तब केवल शंभु थे, लौट कर आए सुनकर तो महेश हो गए। और कथा सुनकर व्यक्ति महान बनता है, जो सुन लेता है वो सबसे बड़ा अपने आप हो जाता है। माँ घर में सबकी सुनती है, सबसे बड़ी होती है। जिसने सुन लिया वही बड़ा हो। लगता ये है जो सुना रहा है वो बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, अगर कोई सुनने वाला नहीं आएगा तो बैठे बैठे मक्खी भी नहीं आएगी हमारे पास। सुनने वाला बड़ा हो, इसलिए इस कथा को बंधु और बहनों सुनो। आज विज्ञान का युग है और लोग बहुत वैज्ञानिक तर्क देते हैं। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़ी मुश्किल पड़ती है। तो एक जगह किसी सज्जन ने कहा कि या तो विज्ञान का युग है, ऐसे कैसे माने, तर्क दीजिए। मैंने कहा भाई, भौतिक पदार्थों का प्रयोगशाला में परीक्षण हुआ करता है, ये तो विचार है, तो विचार का तो कोई तर्क नहीं होता है। बोले नहीं, तर्क से समझाई। मैंने कहा अच्छा, हम लोग तर्क लीजिए विज्ञान के व्यक्ति हो। बोली जी, हम लोग कहा मैं विज्ञान बोल रहा हूँ, जो मुंह से चीज सटकी जाती है ये विज्ञान है। जो भी वस्तु मुंह से सटकते हैं वो मल मार्ग से बाहर निकला करती है, शरीर विज्ञान है कि नहीं? और जो कानों के द्वारा हम अंदर ले जाते हैं वो मुंह के द्वारा निकला करता है। फिर बोल रहा हूँ, जो मुंह से अंदर जाता है वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है, और जो कानों से अंदर जाता है वो मुंह के मार्ग से बाहर निकला करता है। कई बार कान में दवाई डालिए, मुंह में आ जाती है। अब मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूँ, कानों से क्रोध की बातें अगर भीतर ले जाओगे, मुख दिन भर गाली गलौच निकालेगा। कानों से संसार के विषय भोगों की बातें ले जाओगे, मुख दिन भर विषय भोगों की चर्चा निकालेगा। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा ले जाओगे तो मुख दिन भर भगवान की चर्चा निकालेगा, भक्ति की चर्चा करेगा, कथा की चर्चा। निर्णय हमको करना है, कानों से कथा ले जाना चाहते कि कचरा ले जाना चाहते। अनुभव कहता है कथा बहुत कम जाती है, कचरा ही जाता है। और जो कचरा जाता है, चाहे अखबार के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे बाकी लोगों के द्वारा, तो दिन भर मुंह कचरे की चर्चा करता है। जैसे भैंस पहले खूब खा लेती है और जो भीतर भरा होता है धीरे धीरे उसी को निकालकर चबाती रहती है और उसी को सटकती रहती है। तो जो आप भीतर भरेंगे बाद में जुगाली में वही आएगा, डकारों में भी उसी की खुशबू आती है जो हमने खाया होता है। इसलिए कथा को सटकेंगे, कथा की डकारें आएंगी, भक्ति की डकारें आएंगी, इसलिए उसको सुनिए। और दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत, जो हम सुनते हैं
बहुत ध्यान दीजिए, जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है, ये विज्ञान है। जो भी हम सुनते, व्यक्ति के बारे में सुनते हैं व्यक्ति हमारे मन में बस जाता है, वस्तु के बारे में सुनते हैं वस्तु हमारे मन में बस जाती है, विषय के बारे में सुनते हैं विषय हमारे मन में बस जाता है। आदरणीय महावीर जी विराजमान है, वो इस सिद्धांत को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जिसके बारे में हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है, और हनुमान चालीसा में इसका प्रमाण दिया है गोस्वामी जी ने। प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया। श्री हनुमान जी के बारे में 24 घंटे प्रतिपल प्रतीक्षण हरि चर्चा हरि कथा, प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, वे रसिक हैं। उनको अगर व्यसन है तो कथा सुनने का व्यसन है, शौक है तो कथा सुनने का शौक है, नशा है तो कथा सुनने का नशा है। हर समय कथा सुनते तो परिणाम क्या होता है? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनी सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे विषय हो। अब तीसरा विज्ञान, पहला सिद्धांत था जो कान से अंदर जाता है मुंह से बाहर निकलता है, दूसरा सिद्धांत जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है, अब तीसरा सबसे महत्व का सिद्धांत, जो हमारे मन में बसा होता है माथे की आंखें दुनिया में उसी को खोजा करती हैं, जो कार बस गई तो कारों की भीड़ में उसी कार को खोजा करते हैं, व्यक्ति बस गया तो मेले में हम उसी व्यक्ति को खोजा करते हैं, विषय बस गया तो सारी दुनिया में उसी विषय को खोजा करते हैं कि कैसे मिले ये। तो जो हमारे मन में बसा होता है माथे की आंखें दुनिया में उसी को खोजा करती हैं। और हमारी बहन लोग इस सिद्धांत को बहुत आसानी से समझ सकती हैं। मान लीजिए आपके मन में साड़ी का किसी का प्रिंट बस गया, कोई साड़ी, माताएं कथाओं में यही, या तो जेवर देखने आती हैं तो साड़ी देखने आती हैं, उनको दूसरा कोई काम नहीं, यहाँ तो कथा सुनने आई लेकिन मैं बाकी की बात कह रहा हूँ। तो मान लीजिए मन में कोई साड़ी का प्रिंट बस गया और आप साड़ी खरीदने जाएं, और साड़ी के जो दुकानदार हैं जो उसके मालिक हैं वो कितने भी प्रिंट कितनी भी साड़ियों के आपको थान के थान निकाल दें, थान के थान, मन क्या कहता है? वो वाली नहीं है, वो वाली नहीं है, वो वाली नहीं है। तो जो मन में बसा होता है माथे की आंखें उसी को खोजा करती। बंधु और बहनों, अगर आप भगवान की मधुर मधुर मंगलमय कथा सुनेंगे तो भगवान की मधुर छवि आपके मन में बस जाएगी, और जब मधुर छवि बसी होती है उसी को खोजने के फिर वृंदावन जाते हो, अयोध्या जाते हो, चित्रकूट जाते हो, संतों के पास जाते हो। ये भगवान के दर्शन का मार्ग बनाती है मार्ग। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, मैं विज्ञान की चर्चा करूंगा, बहुत आगे बढ़। तन के मैल को धोने के बहुत प्रकार के साबुन हैं, बहुत प्रकार के डिटर्जेंट हैं, बहुत प्रकार के पाउडर हैं, दूध की सफ़ेदी, बिजली की चमक, ऐसे वैसे कितने प्रकार के विज्ञापनों के साथ उसका प्रचार है, लेकिन मन के मैल को साफ करने का कोई पाउडर कोई डिटर्जेंट आज तक न विज्ञान तैयार कर पाया है, न निकट भविष्य में संभावना दिखाई देती है। मन के मैल को धोने का एक मेव पाउडर अगर कहीं है तो रघुवंश भूषण चरित यह नर कहानी सुनहि जे गावहि, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहानी सुनहि जे गावहि, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहानी सुनहि जे
यहाँ नर कहाँ ही सुनहीं जे गावहीं कलिमल मनो मन धोई बिनु शम राम नाम सिधावहीं कलिमल मनो मन धोई बिनु शम राम नाम सिधावहीं सत पंच चौपाई मनो हर जानी जो नर उर धरे सत पंच चौपाई मनो हर जानी जो नर उर धरे सबको गाना पड़ेगा जी सब गाइए ये मानस की चौपाई है आचार्य लोग कह रहे हैं कहें सुनाई जे गा भाई और आपको कोई कठिनाई नहीं है। मैं पूर्व उत्तर प्रदेश में आशीष जी की आज्ञा से गोरखपुर कथा करने गया गोरखपुर बड़ी भीड़ होती है उधर कथाओं में अब मैं गवाऊँ कोई गाए नहीं बार बार मैं संगीत रोक के कहूँ गाओ गाओ कोई गाए नहीं एक दिन हुआ दो दिन हुआ तीन दिन हुआ तो वहाँ एक बिन्नू भैया करके थे जिन्होंने कथा का आयोजन किया उनका महाराज जी इनमें से कोई गा नहीं पाएगा ज़्यादा इनको कहिए मत ये गा नहीं सकते हमने कहा तो रामायण का प्रदेश है घर घर में रामायण के पाठ होते बोले पाठ करते हैं आपसे ज़्यादा चौपाइयाँ इनको याद हैं पर ये गाएंगे नहीं मैंने कि क्यों आपने डांट फटकार दिया है क्या बोले नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा है फिर क्यों नहीं गाएंगे बोले इनके मुँह में गोबर भरा है वो गाएँ तो गाएँ कैसे मुँह में जो गोबर भरा हुआ है तो फिर मैंने उनको तरकीब बताई कि गोबर को जीभ से एक गाल में कर लो फिर गाओ तो कुछ यहाँ तो कोई समस्या है नहीं तो मुझे दिखाई देना चाहिए आपके होठ खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं गाइए सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पूरे मानस के अंत में एक छंद आया है बंधुर बहनों रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ सुनहीं जे गावहीं समझने की कोई जीवन में उतारने की कोई सूचना गोस्वामी जी नहीं दे रहे केवल इतना करिए कह सकते हो तो कहो बोल सकते हो तो बोलो सुन सकते हो तो सुनो और गा सकते हो तो गाओ परिणो कलमल मनोमल धोए बिनुषम राम धाम सिधावहीं मोक्ष कहिए कैवल्य कहिए स्वर्ग कहिए वैकुंठ कहिए मुक्ति के जो शब्द आपको अच्छे लगते हैं केवल इस कथा के श्रवण से ही होता है हुआ है और होगा एक बड़ी समस्या हम सबके सामने है पूरे देश में हम जाते हैं लोग मिलते हैं ऊपर ऊपर मुस्कराहट है थोड़ी देर के बाद असलियत पर आ जाते हैं कहते महाराज बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं कारोबार भगवान की बड़ी कृपा है कोई कमी नहीं है बेटा बहुत सुशील है बिटिया बहुत अच्छी है बहू बड़ी सुंदर आई है बिटिया से भी ज़्यादा लाड़ प्यार करती है बेटी बहुत अच्छे घर में गई है सब भगवान की बड़ी कृपा है लेकिन शांति नहीं मिलती शांति कैसे मिले इस शांति का रोना सारे देश और दुनिया में होता है बंधु और बहनों मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ शांति बाजार में खरीदी नहीं जाती शांति किसी मार्केट में नहीं मिलती शांति किसी गुरुजी के चरणों में जाकर नहीं मिलती शांति किसी आश्रम में नहीं मिलती आश्रमों से शांति मिलती तो आश्रम ज़्यादा शांत दिखाई देते जरा हरिद्वार के आश्रम में घूमे आना अकेले में बैठोगे तो पता लग जाएगा शांति कैसे आए शांति उगानी पड़ती है शांति की खेती करनी पड़ती है उसमें खाद पानी अपना लगाना पड़ता है अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ
चिंता ये मत करिए कि शांति कैसे मिले, चिंतन ये करिए कि अशांति क्यों हो रही है। पेट खराब हो गया, पतंजलि योगपीठ ने व्यवस्था की है, चिंता मत करिए, दवाई खा लीजिए ठीक हो जाएगा। लेकिन चिंतन ये करिए पेट खराब हुआ कैसे, आखिर हमने ऐसा क्या खा लिया जिसके कारण से पेट खराब हो गया, ताकि अगली बार न हो। चिंतन करिए, चेतना को जगाइए, चिंता में मत डूबिए। चिंता ये मत करो कि शांति कैसे मिले, चिंतन ये करिए कि अशांति कैसे हो रही है। और बंधुओं बहनों, अशांति कब होती है, जब मन अशुद्ध रहता है। बहुत ध्यान दीजिए, मन कभी किसी का शांत नहीं हुआ करता। जैसे सांस कभी शांत नहीं होती, सांस को शांत करना है तो यमराज को ही फोन करना पड़ेगा, जिसके पास नंबर हो बात कर लो। मन भी शांत नहीं हो सकता, जब तक जीवित है चलेगा, लेकिन मन में जो व्याकुलता आती है वो आती है जब मन में बुरी बुरी बातें आती है। हम पूजा में बैठे हैं और ऐसी बातें आ रही हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। हम ध्यान में बैठे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं जिनको कभी सोचा नहीं था। हम अच्छे काम कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, और मन में बहुत गंदी गंदी बातें आ रही हैं। तो जब पूजा में ये बुरी बातें आती तो मन ज़्यादा व्याकुल होता है कि ऐसी पूजा करने से क्या क्या फ़ायदा, मन में तो बहुत गंदी बातें आ रही हैं। तो मन को शांत करने का प्रयत्न मत करिए। मन का स्वभाव है चंचल होना, जैसे श्वास चलती है ऐसे मन चलता है। और जो मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं उनके भी मन एकाग्र नहीं होते। बस इतना ही होता है कि आपको त्राटक में लगा देते हैं कि तुम अपना मन एकाग्र करो, और उनका मन आपकी जीव पर एकाग्र हो जाता है कि ये लिफाफा वहाँ से कैसे इधर आए, और दूसरा कुछ नहीं हुआ करता। इसलिए मन को आनंदित करिए। मन जब शांत होता है, मन जब शुद्ध होता है तो आनंदित होता है, शांत रहता है। आँख में जरा सा रजकण गिर जाए, आँख करकराने लगती है, पानी छोड़ने लगती है, न खुलती है न बंद होती है, न सोने देती है। ऐसे ही जब हमारा मन अशांत होता है बंधुओं, जब हमारे मन में कामुकता की कंकड़ी गिर जाती है, और भीतर जब कामुकता हिलोरें लेती है तो मन अशांत रहेगा। पुरानी किसी की दी हुई गाली याद आ गई और मन में क्रोध की भट्टी भभक रही है, मन अशांत रहेगा। जब पड़ोसी हमसे ज़्यादा बढ़ गया और ईर्ष्या के कीड़े बिलबिला रहे हैं, मन अशांत रहेगा। लोभ की सड़ाएँ आ रही है, अगर इतना और कर लेता तो शायद ये हो जाता, तो मन अशांत रहेगा बंधुओं। कई लोग ये तर्क देते हैं कि भजन करोगे तो मन शांत हो जाएगा। अगर भजन से मन शांत हो गया होता तो सारे हिंदुस्तान के सभी लोगों के मन शांत हो गए होते। हर एक भारतीय थोड़ा बहुत ज़रूर भजन करता है, भजन से मन शांत नहीं होता। हो सकता है कि मैं हरिद्वार में बैठकर थोड़ी कड़ी भाषा बोल रहा हूँ आवेश में आकर, वैसे मुझे आवेश आता नहीं है, और हो सकता है थोड़ी अटपटी भी लग रही हो, लेकिन मेरा ये मत है कि भजन से मन शांत नहीं होता। फिर अर्थ क्या है, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं समीकरण बदल रहा हूँ। जब मन शांत होता है तो भजन कर लेता है, जब मन शांत नहीं होता तो भजन होता ही नहीं है, कुछ और चलता है, माला तो घूमती है मन नहीं चलता। मन शांत हो कैसे, जब मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध होगा कब, जब आपके होठ भी शुद्ध बोलेंगे, हृदय में भी शुद्ध बातें होंगी, और जो हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में बस जाता है। जो हृदय में बसा होता है होठ वही बोला करते हैं, ये सिद्धांत है बंधुओं। और जो होठ बोलते हैं हृदय वही हो जाता है। कामुकता की बातें होठ बोलेंगे हृदय काम ही भर जाएगा, भगवान से भर जाएगा। इसलिए मेरा पहले दिन के प्रवचन में आग्रह रहता है, मैं विद्वान नहीं हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको खूब गाइए और खूब श्रवण करिए। और जिनके भी मन में कहीं भी भगवत दर्शन की लालसा है, कहीं भी कि हमको भी इस जन्म में भले ही स्वप्न में झांकी दर्शन हो, लेकिन एक बार इन आँखों के सामने एक मनोहारी झांकी आ जाए प्रभु की, जिनमें भी कहीं लालसा है उनको कथा सुननी चाहिए। बिना कथा सुने न दर्शन होता है, न हुआ है न होना है। जिनको भी हुआ है कथा से हुआ है, कथा में हुआ है कथा से ही होगा। और इसके सबसे बड़े उदाहरण श्री विभीषण जी। विभीषण जब भगवान के पास आ गए तो भगवान ने पूछा, विभीषण हमारे पास आना तो इतना सहज नहीं है, तुम आ कैसे गए।
बोले भगवान आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुन आय सुंदर कांड। श्रवण सुयश सुन आय कथा सुनकर। हाँ, कहाँ? हरिद्वार गए थे? प्रेमनगर? बोले नहीं, लंका में ही सुनी थी। कौन? पूज्य मुरारी बापू जी आए थे क्या? माकंदनंद जी महाराज आए थे? बोले नहीं, हनुमान जी आए थे। तब हनुमंत कही सब राम कथा। अब भगवान ने प्रति प्रश्न कर दिया। भगवान ने कहा, विभीषण, हमने मान लिया कि तुमने हमारी कथा सुनी। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, तुम कैसे आ गए यहाँ तक? विभीषण जी ने कहा, महाराज, हनुमान जी ने इतनी सुंदर कथा सुनाई आपकी, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा चलकर एक बार दर्शन कर लूं जिनकी कथा इतनी सुंदर है। आजकल टेलीफोनों में बड़ी अच्छी अच्छी टोन बजती हैं, तो मैं ट्रेन से जा रहा था एक बार, तो बड़ी सुंदर टोन मेरे सामने वाली सीट पर जो सज्जन थे उसमें वो टोन बजी। इस प्रसंग में मुझे बहुत अच्छी लगती है, गा लो एक बार। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। बंधु और बहनों, भगवान के दर्शन का एकमेव साधन है उनकी कथा का श्रवण है। इस कथा को सुनिए। भगवान की कथा सुनकर भगवत दर्शन की लालसा पैदा होती है और जब मन में लालसा हुआ करती है तो लाल जी कोई ना कोई रास्ता भी बता दिया करते हैं। जब कथा सुनोगे तो भगवान से परिचय होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, जाने बिनु न होई परप्रीति, जाने बिनु न होई परप्रीति, बिनु परप्रीति होई नहीं प्रीति, बिनु परप्रीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिनाई, 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 जिमि खगपति जल मानस। ये भगवान को प्राप्त करने की दर्शन की सीढ़ी है। कई वर्ष पहले जब मैं यहाँ ऋषिकुल में आया था तो शायद मैंने ये प्रसंग लिया था। ये जो नामकरण हुआ है रामचरितमानस, ये हमारे ब्रज के एक लोक गीत से प्रेरणा लेकर गोस्वामी जी ने लिखा है। लोक गीतों में उनकी भाषा तो थोड़ी अश्लील टाइप की रहती है लेकिन उसमें बड़ा तत्वज्ञान भरा होता है। ऐसी कथा हमने सुनी है कि एक सखी अपनी सहेलियों से घिरी खड़ी थी, रो रही थी। गोस्वामी जी निकल कर जा रहे थे तो पूछा, बिटिया क्यों रोती थी? बोले, बाबा तुम जाओ, तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है, ये तो गृहस्थी की बात है। बोले, कोई बात नहीं, हम रहते तो गृहस्थियों में ही हैं, बताओ बताओ क्या बात है। बोले, ये जो सहेली है हमारी, ये अपने पिया से मिलने जाना चाहती है और पिया इसकी बहुत ऊँची अटारी पर है और जाने की कोई सीढ़ी नहीं है, तो ये जाए कैसे? तो गोस्वामी लोग, बस इतनी सी बात है, ये तो सीढ़ी मैं लाई देता हूँ। उन्होंने उसका हमारे ब्रज में इस लोक गीत का बहुत अच्छा, मुझे पूरा गीत तो याद नहीं है लेकिन एक पद याद है, एक बार गा लीजिए वो सखी की, तो ये आपको ये जो विषय है ये सरल हो जाएगा। कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं, न सैनी बिन भाएली, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं, न सैनी बिन भाएली, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं, काम क्रोध से तिवर हमारे पहरो रहे लगा, काम क्रोध से देवर हमारे पहरो रहे लगा। देखो, मुझे तो अनुभव नहीं है लेकिन आप अपनी यादें करिए, पहली बार जब विवाह के बाद मिलन होता है तो ये देखा जाता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, और वहाँ देवर और ये और वो सब खड़े हैं, कब कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है, तो वही वो सखी बोल रही है, काम क्रोध से देवर हमारे पहरो रहे लगा, काम क्रोध से देवर हमारे पहरो रहे लगा, हर पाप सगो सासुर वासो हरे हरे।
लाही लहर लहर लहराई। दस इंद्र के दस पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय काबू, दस इंद्र के दस डंडा है लहर लहर लहराई। दस इंद्र के दस डंडा है लहर लहर लहराई। और उल्टी सीधी धरी न सैनी, चढ़ो ना उतरो जाए न सैनी बिना, हरे हरे न सैनी बिना भाए री, कैसे पिया की पटारी चढ़ी जाऊं। न सैनी बिना, हरे हरे न सैनी बिना भाए री, कैसे पिया की पटारी चढ़ी पावे पद निर्वाणा मुसाफिर। पावे पद निर्वाणा मुसाफिर। पावे पद निर्वाणा मुसाफिर। पावे पद निर्वाणा मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर चले आना मुसाफिर। चलो कोई बात नहीं, कितनी भी गहरी होगी पार जाएंगे। तो ये तो भैया अति हरि कृपा जाहि पर होई। बंधु और बहनों, मनुष्य जन्म भगवान ने और किसी काम के लिए नहीं दिया, भगवान के। बड़े भाग मानुष तनु होने के बाद जैसे प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो पहली रात वो राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, ऐसे भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद राज तिलक का उत्सव हो गया तो अगले दिन भगवान का ये अयोध्या के नागरिकों की सार्वजनिक सभा में बड़ा मार्मिक भाषण हुआ है। उस भाषण की चौपाई है वो उत्तरकांड में, वो भाषण है पूरा लिखा हुआ गोस्वामी जी के द्वारा, घर पर पढ़िए उस भाषण को, बहुत मार्मिक भाषण है। भगवान कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, ये कृपा से मिलता है, अनुष्ठानों से नहीं मिलता, ये और किसी कारण से नहीं। परमात्मा जब कृपा करता है, कबहू की करी करुणा नरदेही, देत ईश बिन हेतु सनेही। प्रेम के कारण भगवान करुणा करके मनुष्य को किसी भी योनि से निकालकर मनुष्य योनि में मनुष्य जन्म देते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर को कहा है स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी। अभी मैंने नसैनी शब्द बोला था, हमारे ब्रज में सीढ़ी को नसैनी कहते हैं। ये जो मनुष्य का शरीर है ये स्वर्ग तक भी पहुंचाने की सीढ़ी है, मोक्ष तक भी पहुंचाने की सीढ़ी है, और नरक के गहरे अंधेरे गड्ढे में भी गिराने की सीढ़ी है। आप सब जानते हैं सीढ़ी एक होती है, छत पर चढ़ने के लिए भी और छत से उतरने के लिए भी सीढ़ी अलग अलग नहीं लगाई जाती, उसी से चढ़ा जाता है उसी से उतरा जाता है, केवल दिशा का अंतर है। दिशा अगर ऊपर की ओर है तो आदमी ऊपर की ओर चढ़ते जाता है,
दिशा अगर नीचे की ओर है तो आदमी नीचे की ओर तरता जाता है। बंधुओं और बहनों, ये कथा कुछ नहीं करेगी, 8 दिन केवल एक ही काम करेगी कि आपका हाथ पकड़कर आपकी दिशा बदल देगी, अर्धव्रत करा देगी। अभी तक आप इधर जा रहे थे, अब अर्धव्रत करिए, इधर जाइए, और जब दिशा बदल जाती है तो दशा भी बदल जाती है, दशा भी सुधर जाया करती है। और कुछ नहीं, मैं उपदेशक बनकर नहीं आया, मुझे उपदेश आता भी नहीं है, और मैंने पहले ही बोला उपदेश की आवश्यकता नहीं है, इसको मिलकर हम लोग गाएं। कई प्रवचनकार ऐसा डरा देते हैं, अच्छा भगवान का दर्शन करोगे, भगवान से मिलना चाहते हो, पहले काम तो छोड़, क्रोध तो छोड़, लोभ तो छोड़, पाप तो छोड़, झूठ तो छोड़, रिश्वत तो छोड़। अब ये तो छूटने वाली नहीं, ये तो छूटने वाली है नहीं, इसका अर्थ हमको भगवान तो मिलना नहीं। उनको इस बात का अनुभव ही नहीं है कि भगवान कैसे मिलते हैं। भगवान किसी क्रिया से नहीं मिलते, भगवान तो कृपा से मिलते हैं, और कृपा भगवान स्वयं करते, दया मांगी जाती है, कृपा स्वयं चलकर आती है। भगवान प्रयास से नहीं मिलते बंधुओं और बहनों, भगवान प्रसाद के रूप में मिलते हैं, और प्रसाद लेने की कोई योग्यता नहीं होती, केवल एक ही योग्यता होती है, जिस लाइन में प्रसाद बट रहा है उस लाइन में लग जाइए, आपका नंबर आएगा, प्रसाद मिल जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रसाद की पंक्ति में आ जाइए। और ये काम क्रोध लोभ ये नहीं छोड़े जा सकते, छूटते ही नहीं हैं। और भगवान अज्ञानी नहीं थे, उन्होंने बनाया ही काय को, और मैं तो अपने से जानता हूँ हम में कितना काम है, कितनी कामनाएं हैं। अरे एक कुटिया चाहिए रहने के लिए, हर शहर में आश्रम बनाए दे रहे हो, हर जगह पागलों की तरह दौड़े चले जा रहे हो, पेट ही नहीं भर रहा है, इतने हम लोग कामी हो गए और इतने क्रोधी हो गए, कोई प्रणाम न करे तो 440 वोल्ट का करंट एकदम आ जाता है जिह्वा पर। और लोभ की तो पराकाष्ठा है, हम तो पूड़ियों की संख्या गिन लेते हैं कि 8 दिए हैं कि 10 दिए हैं, इससे बड़ा कोई लोभ नहीं होता। हम तो खुद अपनी बात कह रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम स्वयं जो बीत रही है वो करते। इस चक्कर में मत पड़िए, ये छोड़े नहीं जाते, निराश हो जाओगे। पहले ध्यान दीजिए, भगवान पुलिस के दरोगा नहीं है कि डंडा और डायरी लेकर आपके केस लिखने के लिए बैठे हैं, उनको इन बातों की फुर्सत ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। फिर बोल रहा हूँ, भगवान पुलिस के दरोगा नहीं है कि जो हमारी कमियां लिखने को बैठे हैं। भगवान कौन है? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसे की, स्वामी शरण गहूं मैं किसे की, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश। भगवान कौन है बंधु और बहनों? मम्मी और, आजकल माता पिता तो है नहीं, कौन है? मम्मी और पापा। शब्द खराब नहीं है, पापा बोलने में कोई अपराध नहीं है, पापा शब्द बहुत अच्छा, मानस का शब्द है पापा, रामचरित मानस में आया है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। पापा शब्द रामचरित मानस का है, और रामचरित मानस कोई अपवित्र शब्द नहीं है। यहाँ हरिद्वार के 2-3 लोग गए विमल जी के साथ, वो स्वामी जी से बोले, महाराज ये पाप शब्द तो सुना था, ये पापा का क्या मतलब है? गोस्वामी ने कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आया, सरल अर्थ है, क्या है? बोले छोटा पाप पाप और महापाप, तो इसलिए बुरा मत मानिए, कोई बात नहीं। भगवान हमारे माता और पिता हैं बंधु और बहनों, आप सब मेरे सामने गृहस्थी बैठे हो, आप बहुत आसानी से समझ लोगे।
अपने छोटे से मुन्ना को मौसा जी की गोद में देना हो, नीला धुलाकर कपड़े बदलकर बाल काटकर काला टीका लगाकर सुंदर वेश बनाकर मौसा जी की गोद में दिया जाता है। फूफा जी की गोद में देना हो, नीला धुलाकर बाल काटकर कपड़े पहनाकर दिया जाता है। किसी और अंकल डंकल जी की गोद में देना हो तो भी नीला धुलाकर कपड़े पहनाकर सुंदर करके दिया जाता है। और दादा दादी की गोद में देना हो तो है, दादा दादी की गोद में देना हो तो अगर दादाजी पूजा घर में बैठे माला भी जप रहे होंगे और बालक सो के उठ के दादू 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 तो दादू छाती से लगा लेगा, बैठ जा चुप जा चुप। अरे भगवान हमारे बाप दादों का भी बाप दादा है, बहुत करुणावान है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं पाप छोड़, और पाप छोड़े नहीं जा सकते, फिर औषधि क्या है? तो मेरी व्यासपीठ औषधि दे रही है। वैसे तो पाप नहीं करने चाहिए, लेकिन जब हो ही रहे हैं तो हम क्या करें, रहा ही नहीं जाता। तो व्यासपीठ का आश्वासन है कि पाप छोड़ने में ताकत मत लगाइए, पुण्य करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप स्वयं ही आपको छोड़कर चले जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुसंग छोड़ने में दम मत लगाइए, कुसंग ही आपको मार डालेंगे। फिर करें क्या, एक ही काम करिए, अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू कर दीजिए, बुरे स्वयं ही आपको छोड़ देंगे। छोड़ो यार, किसके पीछे पड़े हो, वो अपने मतलब का नहीं रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छे लोगों के पास बैठो, शुभ करना प्रारंभ करो। सूर्य की ओर मुख करके चलोगे छाया पीछे छूट जाएगी, पीठ करके चलोगे छाया आगे आगे चलेगी। इसलिए मैं कैसा था इसका सुमिरन मत करो, अब मुझे कैसा होना चाहिए इसका संकल्प करो। मैं अब तक क्या करता रहा इसको याद मत करो, हीनता में डूब जाओगे। अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इसका निर्णय करो। भूत की कुकर्मों को याद मत करो, भविष्य की संभावनाओं को देखो, भगवान की कृपा का दर्शन करो। मनुष्य इतने पाप कर ही नहीं सकता, भगवान की एक कृपा सारे पापों को नष्ट कर दिया करती है। बहुत सरल है प्रभु, अति कोमल रघुवीर सुभाव, अति कोमल रघुवीर सुभाव, यद्यपि अखिल लोक करे जी को काव भूषण ने कहा है कि गरुड़ जी अस स्वभाव कौ सुनहु न देखो, ऐसे स्वभाव का महापुरुष न मैंने सृष्टि में कहीं देखा है न सुना है। कौ खगेश रघुपति समलेख, गोस्वामी जी कहते मैं लालटेन लेकर सारे जगत में घूमा, ऐसा स्वभाव का महापुरुष मुझे मिला नहीं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जिनको किसी का दोष याद ही नहीं रहता, रहते न प्रभु चित चूक किए की, नालायक से नालायक लड़का माता पिता का अपमान करता है, निकाल कर घर से बाहर कर दिया, बेचारे दुखों में बुढ़ापा काट रहे हैं, लेकिन वो भी उस नालायक लड़के को आशीर्वाद ही देते हैं, बेटा हम तो जैसे बुढ़ापा काट लेंगे, लेकिन तुम दूध हो ना हो पूतो भलो तुम चैन से रहो। जगत का माता पिता इतना क्रूर नहीं हो सकता, क्रूर नहीं हो सकता। अति कोमल रघुवीर, समय तो नहीं था लेकिन मैं भगवान के स्वभाव की चर्चा आई तो मैं कई बार सुना दिया करता हूँ। पहले एक बार कबीर दास जी को याद कर लीजिए, कबीर बोल कर गए, तेरी बनत बनत बन जाई हरी कथा सुना कर भाई, तेरी बनत सुनत बन जा तारा बंका तारा
सुन लेता है उसकी भगवान सुनने लग जाता है। तुम कथा सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम उनकी नहीं सुनोगे वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। और बहुत सरल है बंधु और बहनों, में प्रसंग लेना नहीं चाहता था कि प्रसंग आ गया, मुझसे रुका नहीं जा रहा। प्रभु की कितना स्वभाव सरल है, अस स्वभाव कौ सुन। जिस समय केकई जी बहुत गंदी गंदी भाषा बोल रही थी राम जी के बारे में दशरथ जी से, तो दशरथ जी रो रहे थे, बूढ़ा महापुरुष रो रहा था, रो रो कर कहा, केकई के मुंह पे हाथ रख दिया, देवी मेरे राम के बारे में एक शब्द मत बोलना, मेरे भी जो दुश्मन हैं वो भी मेरे बालक की बड़ाई करते, बैरू राम बड़ाई कर रही, और तुझे तो मालूम है जासू सुभाव अरि अनुकूला, बालक का स्वभाव दुश्मनों के भी अनुकूल है। जासू सुभाव हरि अनुकूल, जासू सुभाव हरि अनुकूल, आसो की सरल हैं बंधु, हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। मैं कई बार प्रसंग सुनाया करता हूँ, श्रीमद् भागवत का आपने सुना है। एक बार हमारे ब्रज के संतों का एक प्रतिनिधि मंडल भगवान से मिलने द्वारका गया, उस समय भगवान द्वारका में निवास करते थे, प्रकट लीला का उदाहरण है। भगवान महारानियों के साथ चौपड़ खेल रहे थे, सेवक ने जाकर कहा सरकार ब्रज के कोई संत आए हैं आपसे मिलने के लिए, मिलना। ब्रज के? मेरी मायके के? अरे भगवान तो दौड़ कर आए बाहर, माताएं जानती है मायका का तो कुत्ता भी प्यारा होता है। ससुराल पक्ष का बड़े से बड़ा मेहमान आ जाए उस दिन सिर में भी दर्द, गैस भी खत्म। और मायके के यहां से कोई रात के 12 बजे भी आ जाए, सूजी का हलवा तैयार। भगवान आई आई आई, बड़ी कृपा की, स्वागत स्वागत। साधुओं ने झगड़ा शुरू कर दिया, वो गई झगड़ा करने थे। भगवान ने कहा भैया झगड़ा क्यों करते हो इतनी दूर से? बोले झगड़ा ही करने आए। देखो भक्त और भगवान का झगड़ा बड़ा मीठा होता है, बड़े प्यार का होता है। लड़ाई तो अच्छी नहीं मानी गई, कलह तो अच्छी नहीं मानी गई, क्लेश तो अच्छा नहीं माना गया, लेकिन झगड़ा अच्छा माना गया है।
पति पत्नी में अगर कलह क्लेश है तो अशांति रहेगी, और पति पत्नी में अगर झगड़ा नहीं है इसका अर्थ है कि कोई प्रेम भी नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। पति पत्नी में कलह क्लेश तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम के लिए पति पत्नी में झगड़ा जरूर होना चाहिए। झगड़ा प्रेम के कारण होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज, जिनका आज तक न हुआ हो, हाँ जाते ही घर में टूट पड़ो एकदम, मुझे क्या करते बोले बोलो मत, प्रेम कर रहे हैं, कथा में सीख कर रहे हैं। झगड़ा प्रेम का प्रतीक, भक्त और भगवान का भी पति पत्नी का ही झगड़ा है ना, तुम हो प्राणपति। भगवान तो कहते हैं ना, मैं तो हूँ संत को दास, संत मेरे मुको चमणी, मैं तो हूँ संत को दास, संत मेरे मुको चमणी, मैं तो हूँ संत को दास। पग चापू और सेज बिछाऊ, नौकर बनू हजाम, पग चापू भगवान कह रहे द्वारका नाथ, नौकर बनू हजाम, पग चापू और सेज बिछाऊ, नौकर बनू हजाम, पग चापू और सेज बिछाऊ, नौकर बनू हजाम, अरे हाकू बैल बनू गढ़वारो दिन तन भारत भान, अलग की लखता भरी, मैं तो हूँ शीश पर धारण करता हूँ। बोलो क्या हुआ? बोले महाराज आपके राज्य में जितना अन्याय है इतना तो हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। बोले कैसे? बोले साधु हम हुए, वैराग्य हमने लिया, साधना हम करते हैं, भजन हम करते हैं, और हमारे ऊपर तो कभी कृपा नहीं की, और जो पूतना राक्षसी जो आपको विष पिलाकर मारने आई जहर देकर, उसको आपने माँ जैसी सदगति प्रदान कर दी, ले बे गतिम धात्री। आपने पूतना की घटना सुनी है कि वो अपने स्थलों से विष लगाकर आई थी भगवान को दूध पिलाने के बहाने से मार, तो वो आपको मारने आई पूतना, उसको मुक्ति, और हम साधु हमारे ऊपर कभी कृपा नहीं की। भगवान ने कहा भाई पूतना को मुक्ति प्रदान करना मेरी मजबूरी था। मजबूरी? क्या मजबूरी थी? भगवान ने कहा उसने हमको अपनी छाती से लगा लिया था। हमारे ब्रज में माताओं के स्तन को छाती कहते हैं। जैसे ब्रजवासी जब आपस में लड़ते हैं ना, यहाँ कोई ब्रजवासी बैठे होंगे वो जानते हैं, जब ब्रजवासी लड़ते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं तो यही बोलते, आज सारे तैने अपनी माँ की छाती को कितना दूध पियो है, वो कहता है मैंने छाती को पियो ही ना है सारे, मैंने तो बोतल को पियो है, मैंने तो छाती को पियो है। तो जो माँ की छाती का पिएगा वो माँ के सम्मान की रक्षा भी करेगा, बोतल का पिएगा तो बोतल फूट होगी तो रोएगा। तो बोले उसने अपनी छाती से हमको लगा लिया था, अपना स्तन दे दिया। तो बोले इसमें क्या खास बात हो कि छाती से लगा ले? बोले आपको खास बात नहीं लग रही? अरे पता नहीं किस किस ने अपनी छाती से किस किस को लगाया हुआ है। किसी ने अपनी छाती से पुत्र को लगाया हुआ है, किसी ने अपनी छाती से पत्नी को लगाया हुआ है, किसी ने अपनी छाती से पति को लगाया हुआ है, किसी ने अपनी छाती से पैसे को लगाया हुआ है, किसी ने अपनी छाती से पद को लगाया हुआ है, किसी ने अपनी छाती से परिवार को लगाया हुआ है। अरे जिसने अपनी छाती से परमात्मा को लगा लिया हो उसको तो मुक्ति प्रदान करना हमारी मजबूरी था। हम क्या करते? उसने अपने हृदय से हमको लगा लिया। अभी साधु बड़े पढ़े लिखे थे तो बड़ी तैयारी से के बोले ये तो ठीक है कि अपनी छाती से हृदय से लगा लिया, लेकिन छाती तो उसकी विषैली थी, छाती पर तो विष लगा था। भगवान ने कहा देखो भैया मैं ये नहीं देखता कि तेरी छाती विषैली है कि रसीली है, अगर विषैले हृदय से भी मुझे लगाएगा तो रसीला बनाना फिर मेरा काम रहता है, बाकी काम मैं करता हूँ। अपि चेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य करौं सद्य ते साधु समाना, तू विषैले हृदय से भी पुकारेगा, क्रोध में भी पुकारेगा, मुझे गाली देकर भी बुलाएगा तो भी मैं आऊँगा, मैं रुक ही नहीं सकता, मेरी कमजोरी है। कैसा भी हो तेरा हृदय, झाड़ू लगाना तो मेरा काम है, मैं करूँगा शुद्ध, तू तो नहीं कर पाएगा। ऐसे सरल भगवान कहते हैं मेरा दरबार न्यायाधीश का नहीं है, मेरा तो नर्सिंग होम का है, न्यायालय में पाप पुण्य का विश्लेषण किया जाता है, डॉक्टर नहीं कहता बीमार क्यों हो गए, डॉक्टर तो चाहता है और ज़्यादा बड़ी बीमारी लेकर आते हैं,
और जो जितना ज़्यादा बड़ा बीमार होता है डॉक्टर इमरजेंसी में उसे सबसे पहले देखा करता है। तो भगवान तो तैयार बैठा है, तू मेरी ओर आ तो सही, और आने की भी आवश्यकता नहीं है, एक बार मेरी ओर देख ले। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशों तब ही। ऐसे सरल भगवान की ये मधुर मंगलमयी कथा बंधुओं, जिसका हम लोग गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और इसी कथा से भगवान का दर्शन होगा। लेकिन अनुष्ठान पूर्ति के लिए कुछ न कुछ सहायता भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए। वैसे तो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आशीर्वाद देकर गए हैं, लेकिन दैवीय कार्यक्रम है ये, तो देवताओं का भी आशीर्वाद, और दो ही आशीर्वाद चाहिए, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणेश जी का, और राम द्वारे तुम रखवारे श्री हनुमान जी का। गणेश चतुर्थी के उत्सव प्रारंभ होने भी वाले हैं, शायद हो भी चुके हैं। एक बार गणेश जी को गा लीजिए, हनुमान जी की जय जयकार कर लेंगे, तब आगे बढ़ते हैं। सब बजाइए, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्ध सदन गज पदन विनायक, सिद्ध सदन गज पदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, विद्या कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और दोनों देवों का आशीर्वाद लेकर अब कथा प्रसंग को कल सायंकाल 4 बजे प्रारंभ करेंगे। इस समय कथा को विराम। एक सूचना मेरी, कल यहाँ से अब आप जाएं आज रात को, कल दिन भर अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी कहिए, अगर पड़ोसियों से बोलचाल नहीं है तो इतनी ज़ोर से बच्चों को कहिए कि भाई जल्दी से खाना खाओ, मुझे कथा में जाना था, पड़ोसी भी सुन ले, और कोई अभागा ऐसा न रह जाए जो कथा न सुन पाए, सबको लेकर आइए। अब सूचना होगी, आरती गाएंगे, तब जाएंगे। जय श्री राम। श्री आरती के लिए जिन महानुभाव को मैं आरती सामने से करेंगे, नीचे से है ना जी, नीचे आरती मंच के सम्मुख आकर के। आदरणीय श्री मनोज गर्ग जी मेयर साहब, परम श्रद्धेय डॉक्टर महावीर जी अग्रवाल, आदरणीय श्री इंद्रप्रकाश जी अग्रवाल, श्री रविंद्र सिंगल जी, श्री सुनील अग्रवाल जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, कृपया मंच के सम्मुख आते रहें आरती लेकर के। श्री प्रवीण अग्रवाल जी, श्री कर्ण मल्होत्रा जी, श्री पराग गुप्ता जी, श्री सुनील अनेजा जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री विनोद शर्मा जी, श्री अनिल पुरी जी, श्री मीना मीनाक्षी, श्रीमती मीनाक्षी जी, श्रीमती सरोज जाखड़, श्री शक्ति त्यागी, सभी सम्मानित बंधुओं से निवेदन है, सज्जनों से निवेदन है, कृपया आरती के लिए।
आदरणीय श्री अशोक पाठक जी, श्रीमती सुधा पाठक जी, आरती के लिए आदरणीय विमल जी, आदरणीय श्री प्रदीप चौधरी जी, पूर्व चेयरमैन, सभी सम्मानित सज्जन, चंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य कौशल जी महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। सभी भक्त जनों की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी की वाणी में गाई हुई श्री राम कथा की सीडी हॉल के बाहर श्री राम कथा गंगा स्टॉल पर उपलब्ध हैं। जो भक्त लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वहां से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से गाई श्री राम कथा की सीडी हॉल के बाहर श्री राम कथा गंगा स्टॉल पर उपलब्ध हैं। जो भक्त लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वहां से ले सकते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, प्रसाद लेकर के ही जाएं। हॉल के गेट पर प्रसाद उपलब्ध है।